हाय गाइस, वेलकम बैक। सो भाई, डंकी की एडवांस बुकिंग क्या एस्ट्रोनॉमिकल स्पीड पर चल रही है, क्या नंबर आ चुका है अपडेट होकर के, कलेक्शन जो है वो आ चुकी है, शो काउंट्स में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। साथ साथ में अब ये देखना है कि डंकी का इंतजार जो है ये जैसे जैसे खत्म होता जा रहा है उस वैसे ही क्रेज पब्लिक में कितना बढ़ता जा रहा है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देख लेना, चैनल को कर लो भाई सब्सक्राइब। जैसे कि आप देख ही रहे हो पोस्टर्स आ रहे हैं, और अभी से जस्ट कुछ देर पहले ही शाहरुख खान द किंग खान इज ऑलरेडी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। वो ऑलरेडी कई सारे रीपोस्ट कर रहे हैं, लोगों को थैंक्स कर रहे हैं, जो भी लोग अपने एक्साइटमेंट के चलते काफी चीजें डालते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो रील्स हो, चाहे वो टिकट बाइंग वाला चाहे वो वीडियोस हो, वो सब चीजें, एवरीथिंग इज बीइंग नोटिस्ड। एक और चीज हो रही है जो कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो फैन क्लब्स कर रहे हैं, उनको भी हर एक, मतलब आई एम जस्ट लुकिंग एट हाउ एक्टिव ही इज, कि वो हर एक फैन क्लब की कोशिश कर रहे हैं उसको थैंक्स करने की, उसको अप्रिशिएट करने की, और अपने पास रीपोस्ट कर रहे हैं अपने अपने अकाउंट के थ्रू। That tells us a lot of things about how ready the donkey team is already. ठीक है, so अभी इस वक्त पर क्या scenario चल रहा है? देखो भाई, advance booking बड़ी जबरदस्त तरीके से दिन से और अब तक बहुत अच्छा उछाल ले चुकी है। अगर मैं आपसे बात करूं national chains में क्या कुछ चल रहा है, national chains का क्या number आया है, तो आपको पता ही है, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने एक ऑफिशियल ट्वीट देखा था अबाउट टिकट सोल्ड, और डंकी की जो टिकट सोल्ड है इन द नेशनल चेन्स। तो अगर मैं आपको वो डेटा बताती हूँ, पीवीआर प्लस आईनॉक्स मिलाकर के 41,000 टिकट्स जो है ये सोल्ड आउट हो चुकी है एज ऑन 7 PM शाम के 7 बजे तक। सिनेपोलिस 9,800 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है, टोटल 50,800 टिकट्स जो है ये सोल्ड आउट हो चुकी है। माइंड यू, अभी तो सदर्न मार्केट्स में पूरी तरीके से एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई है, जैसे ही वो ओपन होगी तब देखना एक और बड़ा उछाल जो है ये आ जाएगा। इसके अलावा जब मैं आपको नंबर्स बताती हूँ तो आप जरा नंबर्स ध्यान से सुनना। पहले हम लोग स्टेट वाइज बात करेंगे किस स्टेट में कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, उसके बाद मैं आपको एक टोटल नंबर बताऊंगी। सो भाई, महाराष्ट्र की बात करें, ये मैं विद ब्लॉक सीट्स बताने वाली हूँ, जरा ध्यान से सुनना। महाराष्ट्र 81 लाख की एडवांस बुकिंग, तेलंगाना 72 लाख, दिल्ली 71 लाख, वेस्ट बंगाल 60 लाख, कर्नाटका 43.7 लाख, गुजरात 28 लाख, यूपी 24 लाख, राजस्थान 15.9 लाख, मध्य प्रदेश 13.03 लाख, आंध्र प्रदेश 6.15 लाख, छत्तीसगढ़ 6.09 लाख, बिहार 5 लाख की एडवांस बुकिंग, ओडिशा 4.8 लाख, केरला 4.22 लाख, हरियाणा 4.09 लाख, आसाम 4.04 लाख, उत्तराखंड 3.08 लाख, पंजाब 3.03 लाख, जम्मू एंड कश्मीर 2.43 लाख, झारखंड 2.03 लाख, चंडीगढ़ 1.65 लाख, त्रिपुरा 1.62 लाख, अंडमान निकोबार 1.32 लाख, गोवा 79,000, हिमाचल प्रदेश 47,000, तमिलनाडु 20,000 एंड अरुणाचल प्रदेश 2,000। इसमें आप देख रहे हो तेलंगाना में यहाँ पर ऑलरेडी धमाका चल रहा है। महाराष्ट्र के बाद जो नंबर दो पे स्टेट आ रही है दैट इज तेलंगाना, दैट्स अ ह्यूज डील। मैंने आपको दिन में भी बताया था कि साउथ में भी सुनामी आ चुकी है डंकी की। ठीक है, इसी के साथ टोटल नंबर जो है इंक्लूडिंग ब्लॉक सीट्स ऑफ डंकी एज ऑन 8 o'clock, ये 8 बजे का डेटा है, ये जो टाइम मैं आपको बता रही हूँ एग्जैक्ट 8 बजे का है, दिस इज 4.61 करोड़। ऑक्यूपेंसी कितनी आ चुकी है 11.6% की। टिकट्स कितनी हो चुकी है 1.60 लाख टिकट्स सोल्ड आउट हो चुकी है। अब विदाउट ब्लॉक सीट्स की कहानी सुनते हैं, जो एक्चुअल नंबर होता है, एस्टिमेटेड नंबर आ रहा है फिलहाल 3.46 करोड़ का, ऑक्यूपेंसी 7.8% की, और एक्चुअल टिकट सोल्ड जो है ये आ रही है 1.09 लाख टिकट सोल्ड आउट। यहाँ पर शो काउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शो काउंट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि केवल एक ही लैंग्वेज है, और उसमें शो काउंट्स कितने हैं 5600। जी हाँ, 5600 शोज ऑलरेडी खुल चुके हैं डंकी के, जिसमें से 157 आर फिलिंग फास्ट एंड 15 आर हाउस फुल। क्या कहना है अब आपको, इसके बाद कुछ कहने की कसर बची है। शाहरुख खान ही इज द किंग ऑफ बॉक्स ऑफिस, ऐसे ही नहीं कहते हैं। इस साल में दो हजार हजार करोड़ की फिल्में देने के बाद अब एक और हजार करोड़ सामने खड़ी हुई है। देखो यार, यहाँ पे कई लोगों के अलग अलग वर्जन हो सकते हैं, क्योंकि एक कह सकते हैं सेमी क्लैश है, प्रॉपर क्लैश नहीं है, लेकिन उसी के चलते क्या हमारे को ये देखने को मिलने वाला है कि जितना बेनिफिट उठा सकती थी ये फिल्म उतना उठा रही है, मेरे हिसाब से, क्योंकि एक प्रॉपर क्लैश नहीं। दोनों ही फिल्में जो है इनकी ऑडियंस जो है बिल्कुल अलग अलग है, दोनों अलग अलग ऑडियंस है, बट येस वेन इट कम्स टू न्यूट्रल ऑडियंस, तो न्यूट्रल ऑडियंस जो है ये दोनों की तरफ इंक्लिनेशन दिखा रही है। सो हमारे को ये मान के चलना पड़ेगा कि चाहे इस वक्त पर एडवांस बुकिंग जो कुछ भी है, जो हमारा प्रोजेक्शन है डे वन का, वो 150 करोड़ ही होना चाहिए, कम से कम 150 करोड़ तक होना ही चाहिए, जितना
ऑडियंस में एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है दोनों फिल्मों को लेकर। सो भाई अब जैसे जैसे दिन बीतेंगे, डंकी पहले रिलीज हो रही है 21 को रिलीज हो रही है, डंकी को लेकर ऑडियंस में कल से ही आप देख सकते हो, कल से ही ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। कल से ही हम काफी अच्छी और इसमें जंप देखेंगे कलेक्शन में। सो लेट्स वेट एंड वॉच आगे चल के क्या कुछ होता है। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, धीरे धीरे चल के पता चलेगा कलेक्शन कहां तक पहुंचती है। आपका क्या इसमें व्हाट इज योर प्रेडिक्शन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स।